खाना खा लो, ये टी टी क्या कर रही हो? रात को भिंडी खाने को दिल नहीं कर रहा था, फिर ये रायता बनाया। हा? तुमने कहा था ना कि ठंडा होना चाहिए, ये तो हड्डी है। दोपहर में हम जैसे के बाजार गए थे शहर, तरबूज लेकर आए, तो अहमद ने कहा था कि तरबूज काट के ऊपर डी में रख देना। मैंने ऊपर नहीं रखा, मैंने ये देखे डी में रखा, और ये देखे बर्फ, देखे देखे कितनी बर्फ जाएगा। इसको ना थोड़ा गर्म होने दो। तो मैं तो आपसे यही कहते ना कि गर्म होने दें। ये मसाला है, मैं देना उठाकर। ये मसाला मुझे मेरी बहन यूके वाली ने भिजवाया था, और ये मसाला देख लें, काफी अच्छा है। इसके अंदर जीरा है, सौंफ है, नहीं जीरा है, साबुत धनिया, काली मिर्चे है, लौंग है, तेज पत्ता है। इसे मैं सुबह भूनूंगी और इसके अंदर लाल मिर्चे डालूंगी, गोल वाली लाल मिर्चे डाल के इन सबको बना के रख दूंगी। तो ये अहमद, ये मसाला कितना अच्छा बनता सालन इसे। अहमद को पता है कि मैं बाजार के मसाले बहुत कम और घर के मसाले ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ। इसे इसे चूल्हे पे रखा हूँ, कटोरे समेत खाओ ना। नहीं, बड़ा फुल जमा। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं वहाँ रख देती हूँ, मेज पे। सही है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, राबिया अहमद ब्लॉग पर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मेरा बैकग्राउंड चेंज है, मैं बैठी हूँ किचन में, क्योंकि हमारे यहाँ बन रहे हैं छोले वाले चावल। जो मैं रेसिपी आपको पूरी आज छोले वाले चावल के राबिया अहमद ब्लॉग पर दूंगी, क्योंकि काफी दिन हो गए। ये मैंने इमली रखी हुई है, ये मेरी हरी मिर्चे हैं, बिरयानी मसाला है, क्योंकि काफी दिन हो गए आप लोगों ने कहा था कि राबिया कोई रेसिपी तो बनाकर दिखाएं, तो मैं आज बनाकर दिखा रही हूँ आपको छोले वाले चावल। ये हमारी इमली भी गिरी है, और ये हमारा लहसुन अदरक है जो मैं चावलों के लिए ले रही हूँ। लहसुन अदरक चावलों में लहसुन डाला करें, क्योंकि चावल बादी होते हैं और लहसुन अदरक इसका बादीपन खत्म कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मसालों के डब्बे खुल चुके हैं। ये है हमारी कुटी हुई लाल मिर्च, इसमें लाल रखने लगे, ये हम लेंगे 2 चम्मच, और ये है हमारा हल्दी पाउडर जो लेंगे हम 1/2 चम्मच, और ये है हमारा साबुत धनिया पिसा हुआ जो मैंने घर में खुद से पीसा है पाउडर, इसमें लाल रखने लगे, और हम नमक लेंगे 2 से 3 चम्मच। मैं 3 चम्मच डालती हूँ, मुझे दोबारा डालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मुझे अंदाजा होया हुआ है कि चावलों में नमक मेरा बिल्कुल बराबर रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा मेरा हाथ हिल जाता है, कैमरा इस तरफ चला जाता है, और ये देखे माशाल्लाह माशाल्लाह से है, एक हाथ में मेरे कैमरा है और पतीला खिसक जाता है। मैं मसाला अच्छी तरह से भून लूं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये है कच्ची कायनात, ये आपने ना जिस वक्त चावल पकाने बैठो उस वक्त धोकर निचोड़ के रख लें, और ये है पक्की कायनात, इसे मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए भिगो दिए हैं। 10 से 15 मिनट के लिए आप इसे भिगो देंगे, फिर उसके बाद मैं दोनों चावल एक साथ डालूंगी। इसकी खूबी ये है कि ये कच्ची कायनात है तो धो के रखनी पड़ती है, इसमें पानी ही नहीं डाल के रखना है बिल्कुल। और ये है पक्की कायनात जर्दे का चावल जिसे मुझे भिगोना लाजमी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पानी भी डाल दिया है। अच्छा, जब अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूँ कि जब आप इसमें मेरे चावल था 1.5 किलो, अगर आपका चावल भीगा हुआ है तो मेरे 1/2 किलो की मेरी बाल्टी है, मैं जो बाल्टी आपको दिखाती हूँ ये वाली बाल्टी 1/2 किलो की। अगर ये 3 बाल्टी चावल है तो मैं इसमें 5 बाल्टी पानी डालूंगी, मैं इसमें पूरा 6 बाल्टी नहीं डालूंगी, क्योंकि 1/2 किलो की 1 बाल्टी, 1 बाल्टी चावल होते हैं तो 2 बाल्टी पानी, तो मैंने इसमें 5 बाल्टी चावल पानी डाला है। क्यों? कि मेरे चावल भीगे हुए हैं, आप देखिएगा जब मैं चावल उतारूंगी दम से दाना दाना खिल रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह देखे चावलों पानी में भी उबाल आना शुरू हो गया, बबल्स बनने शुरू हो गए। अब जैसे इसमें थोड़े से और ज्यादा बबल्स बनते हैं तो मैं इसमें चावल ऐड करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से काफी सारे बबल आना शुरू हो गए, और बिस्मिल्लाह देखे चावल भी मैंने बिल्कुल सारे डाल दिए इसमें, जल्दी से इसमें चमचा हुआ तो माशा
जाएगा। अच्छा इसमें मैंने इमली भी डाल दी। अब इसके इंतजार करेंगे पानी सूखने का, और चूल्हा हम यहाँ पर हल्का कर देंगे। अगर ज्यादा चूल्हा दिया तो मेरी गैस भी खत्म हो जाएगी और चावलों का तल भी लग जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबू तो बहुत ही जबरदस्त आ रही है, लेकिन अहमद को छींकें आना शुरू हो गई। जी नहीं जी, चावल डाले में मैंने, ये देखे माशाल्लाह से बस इसका पानी खुश्क होने वाला है। जैसे इसका पानी खुश्क करते हैं, पानी खुश्क होता है, तो मैंने बाल्टी भर के चावलों के लिए जो पानी रखा था उसी के अंदर मैंने रुमाल डाल दिए हैं भिगोने के लिए, ताकि मैं दम दे सकूं चावलों। देखिए मेरे चावलों का हो गया पानी खुश्क, अभी लगाते हैं हम इसे अच्छा सा दम। क्या हो गया? तड़का नहीं, दम लगा रही हूँ चावलों को, तुम्हें नहीं। अहमद जा रहे हैं बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि जैसे कि आपने देखा राबिया लाइफ पे बच्चों का आज फंक्शन है। देखते हैं, बच्चों से पूछते हैं। और देखे मैंने दम अच्छे से लगा दिया है इसे, और मैं कर दूंगी चूल्हा बिल्कुल ही से हल्का। बस ये देखें इतना सा हल्का। मिलते हैं दम के बाद। अदरक काफी मोटा मोटा नीचे था, ऊपर परिक था, जो मैंने डाल दिया है। और मशीनें ने चलते चलते यहाँ भी बंद हो जाती है गर्म होने के बाद। अभी देखें लाइट भी चली गई है, लाइट नहीं है, ये सोलर पे चल रहा है। तो अभी ये भी है सोलर पे चल रही है, ये भी सोलर पे चल रही है, सोलर पे नहीं यूपीएस पे, बल्कि हाँ यूपीएस हमारा ऑन है, यूपीएस पे ये चल रही है मशीन, वो हमारे सोलर पे चल रही है। ये जरा और बारीक हो जाए तो इसे मैं डब्बे में करके फ्रीज कर दूंगी। लहसुन अदरक है, नहीं नहीं वो दूसरा लहसुन अदरक मैंने डाल दिया बीच में। माशाल्लाह ये देखें चने वाले चावल। अभी भी मैंने भाई कहेंगे कि देख कर मुंह में पानी आ गया, आज शाम को हम भी पकाते हैं। तो ट्राई जरूर कीजिएगा। मैंने नमक थोड़ा सा, मेरा नमक कम रह गया था, तो मैंने आधी चमची नमक और डाला था। ये देखे माशाल्लाह से कैसे दाने पे दाना खिलर चुका है चावलों का, खुशबू भी बहुत अच्छी है। अभी मैं खा के, जब खुशबू अच्छी है तो जायका भी अच्छा होगा, मैं आपको खाकर बताती हूँ। और यहाँ पर मेरे बहन भी कहेंगे कि राबिया आप चावल मत खाएं, जिंदगी नाम इसी का है, खा पी के मर जाना है, छोड़ के मरोगे तो पीछे दुनिया खा जाएगी। हाँ बच्चे स्कूल से आ गए हैं पार्टी करके, ऐसे कैसी रही पार्टी है आपकी? अच्छी जबरदस्त। रात को भिंडी खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो ये रायता बनाया। अक्सर कहने लगी मम्मा मुझे भी दो, आपको भी दूं, चले आ जाए अंदर। रायता है और ये बेगम चावल बनाया है। अहमद साहब खा लो, पहले वीडियो मत बनाओ। मजेदार है। अच्छा आप चक्कर बताओ कैसे हैं? चक्कर बाद में बताऊंगा, बैठ कर तसल्ली से। देखें शक्ल इनकी इतनी अच्छी सी लग रही है, माशाल्लाह। दोनों बंदे की अपनी अपनी वीडियो बनाने में मशहूर। अच्छा आज पता है मैंने इसमें इमली भी डाली है। अच्छा? हाँ जी, मुझे खाकर बताएं आप तो अच्छी आ रही है। कि कैसे हैं टेस्ट? खाना खा लो, ये टी टी क्या कर रही हो? बेगम साहबा ने आज का पूरा व्लॉग खुद ही बनाया है जी। इनकी जो रेसिपी है आपको कैसी लगी ये आप सबने लाजमी से बताना है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि इनको बहुत ज्यादा मुश्किल हुई होगी। इधर से व्लॉग बना रही थी, उधर से कुकिंग कर रही थी, और आज तो मुश्किल में फंस गई। चावल बहुत ही लजीज बने। अभी हम टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा ना, अपने अपने मुंह में या मिट्ठू नहीं बनते। अगर पसंद ना आए तो पैसा वापस। अच्छा हाँ जी, चले अगर पसंद आ गए तो फिर पैसे मैं दूंगा। हाँ फिर आप देना मुझे। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखते हैं जी बेगम साहिबा ने कैसे बनाए हैं चावल। माशाल्लाह जी अमेजिंग। वैसे चावल राबिया बहुत अच्छे बनाती है,
लेकिन मजबूरी मुझे ये है कि मैं नहीं खा सकता हूँ। अहमद के लिए रोटियां बनेंगी। मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया है, माशाल्लाह जी बेहतरीन बनाए। और ये जो चावल है ना, इसकी खुशबू ही अलग है। हाँ जी, सुपर बासमती, और हमारे इलाके में इसको कहते हैं जी कायनात चावल। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त, इतना बड़ा चावल हो जाता है पकने के बाद। ये आप चेक कराता हूँ आपको, ये देखें काफी बड़ा। और हम लोग देग में भी यही इस्तेमाल करते हैं, घर में भी यही इस्तेमाल करते हैं। और इसकी एक और वैरायटी आती है पक्की बासमती, वो पक्की कायनात, ये कच्ची है। अच्छा, आप ये देखें, वो जो पक्की है ना वो जर्दे में मिक्स करके डालनी है। वो जर्दे में बहुत ज्यादा मजा करती हैं, और तकरीबन उनको बेगम साहब 2 घंटे के लिए भिगोना पड़ता है ना। हाँ जी, पक्की बासमती। हाँ जी, हाँ जी। है ना। हाँ। पक्की और कच्ची का क्या मतलब होता है? ये मैंने मिक्स चावल पकाए हैं। पक्की और कच्ची का क्या मतलब होता है? वो जर्दे का होता है ना चावल, वो ज्यादा। पक्की कच्ची क्यों कहते हैं? वो पकी हुई होती है पहले से। हाँ जी, उसे पका लेते हैं भट्ठे पे। नहीं, कोई होगा कि पक्की है या कच्ची। खैर जी, बेगम साहबा आज बहुत मुश्किल में थी जी, अल्लाह पाक ने इनकी मुश्किल दूर की है, और पका के अपना व्लॉग बना कर तो वापस आ गई हैं जी। मिलेंगे आपसे रात को, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।